तो लॉकअप में एक ऐसे कंटेस्टेंट जा रहे हैं जिनको कोविड भी नहीं रोक पाया बहुत सारा काम करने से अपने व्यूज देने से और लोगों की हेल्प करने से मतलब इनको रोकना मुश्किल ही नहीं मुझे लगता है नामुमकिन है मेरे साथ है तहसीन पूना वाला हाय एंड वेलकम

Oh, जिसको कोविड नहीं हुआ है उसका ये डेफिनेशन है करेक्ट ये नहीं जिसको कोविड नहीं होना है कोविड से बचने के लिए एक अच्छा उपाय है कीजिए दूर से आदा कीजिए बट हाथ मत मिलाइए एक चीज अच्छा हुआ ना कोविड में जो हमने भी नोटिस किया कि हम अपनी संस्कृति तक वापस पहुंचने लगे थे जो हम भूल चुके थे इनडायरेक्टली सही भले हम डिस्टेंस मेंटेन करना हो किसी से हैंडशेक ना करना हो, बट उसी बहाने हम नमस्ते करना प्रणाम करना लोगों को बहुत सारी चीजें हमने वापस सीख ली है कि नहीं बिल्कुल एब्सोल्युटली ये कोविड का एक फायदा हो गया हम्म चलिए अब बात करते हैं जो मेन न्यूज है मेरे पास आपके लिए इनफैक्ट आपने हमें दी है की आप लॉकअप में जा रहे हैं जेल में जा रहे हैं ये तो खबर चली होगी मैं क्यों खबर दू ये खबर जरूर चली होगी कि मेरे लिए अरेस्ट वारंट निकल चुका है और जेलर साहब मुझे जे, जेलर साहिबा मुझे साहिबा साहब मुझे ढूंढ रही है तो फिर जब पकड़ेगी तो चले जाएगी जेल में ढूंढ रही है तो ढूंढ रही है कहाँ छुपे हैं आप अभी क्वारंटीन है या नहीं है अभी तक या अभी कोई जा रही है नहीं ट्रेवल अब खत्म हो गया खत्म हो गया मैं पिछले दिनों पंजाब में और दिल्ली में था अब अब मुंबई में हूँ अब जेल में जाने की तैयारी है <laughs> क्या क्या तैयारियां हुई है जेल में जाने के लिए अब जेल के लिए थोड़ी कोई तैयारी होती है जेल के लिए बस मेंटली आपको होना पड़ता है क्योंकि जेल में कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है तो जिन सुविधा को आप यूज टू हो वो सब आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तो उसके लिए तैयारी चालू है हम्म ये बताइए यशो आप जैसे किसी आ, एक्टिव वो भी जो रोज टीवी पे आते हैं रोजो, रोजो, रोज बाहर जाते हैं उसको लॉक करना बहुत मुश्किल है तो ये कैसे हुआ आप बिग बॉस में भी गए थे तो हमने देखा कि आप वापस आ गए थे वापस आ गया बट इसलिए वापस इसलिए आ गया कि उस वक्त परिस्थिति अलग थी लेकिन मैं जेन्यूनली चाहता हूँ इसकी दो वजह एक तो मुझे एकता पे फुल ट्रस्ट है तो जब एकता ने कहा कि ये शो आ रहा है तो मैं एकता पे लाइक आंख बंद करते मैं ट्रस्ट करता हूँ और एकता में मानता तो एक है रियली really, तो वो जो वो दो कदम आगे सोचती है तो एक वो वो वजह थी और दूसरी वजह मैं चाहता हूँ कि जो देश के हमारे लोग हैं वो असली तहसीन को जाने जो रोज रात नौ बजे आठ बजे तहसीन को देखते हैं वो तहसीन एक एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है लेकिन एक्चुअल तहसीन को जाने वो मैं चाहता हूँ और ये एक्चुअल क्या है अगर कुछ आप हमें कुछ हिंट्स दे सके हिंट दे सके कि ये एक्चुअल क्या है जो लोग अब तक नहीं जानते हैं किस किस तरह से fun -loving है, किस तरह से से है वो उसे क्या क्या नापसंद है क्या ना पसंद है उसका स्वभाव कैसा है, वो तो अब जेल में ही पस, पता चलेगा क्योंकि वहाँ पर प्रेशर होगा और हुँ. प्रेशर में कौन क्रैक होता है और कौन खड़ा रह पाता है आई थिंक यही पता चलेगा हम्म हम्म हु, और ये पहले से ही ये कम जो लाइन सुन रहे हैं कंट्रोवर्शियल उसमें बोला गया है कि सोलह कंट्रोवर्शियल स्टार्स आ रहे हैं क्या कंट्रोवर्सी है आपकी लाइफ की तहसीन मेरी लाइफ में मेरी लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इस जेल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये होगी कि जेल साहिबा की जो विचारधारा है वो साउथ पोल है तो मेरी नॉर्थ पोल है हमारी विचारधारा हमारी किसी भी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग में किधर कोई बीच का रास्ता नहीं है दो एक्सट्रीम्स है हुँ. अब ये दो एक्सट्रीम्स के अंदर किस तरह का क्योंकि वो जेलर है मैं कैदी हूँ हु, वो साउथ पोल है मैं नॉर्थ पोल हूँ तो किस तरह की जो तनाव और टेंशन वो वो मुझे लगता है पब्लिक को बहुत पसंद आएगा, लेकिन I really, uh, respect Kangana's work. तो तो मैं उस चीज़ पर इज़ डिफरेंस ऑफ़ बाकी आपके अलावा जो पंद्रह लोग हैं जेल में उनके साथ कैसे डील होगा विचारधारा जब... भी 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 uh, मैं ये नहीं बोलती कि पॉलिटिकल किस तरह की होगी नो बट कोई फैशन से है कोई कहीं से है जहाँ तक जो नाम भी रिवील हुए हैं अभी तक कोई अलग कंट्रोवर्सी लेकर चल रहा है कॉमेडी में कोई पूनम पांडे हैं ये सारे नाम तो आउट हो गए हैं निशा रावल कुछ पर्सनल कंट्रोवर्सीज के साथ आ रही हैं इनके साथ कैसे डील करेंगे आप सोलह कंटेस्टेंट्स है अब देख जानना चाहती है कौन है ये बाकी के पंद्रह कंटेस्टेंट्स

मुझे लगता है आप जितना भी या प्लानिंग कर दो अल्टीमेटली जो शो मेकर तो no no के मेकरउंटर मैं चाहता मेरी जनता है वो मुझे पसंद और रियल को देखे इसके अलावा ना ही मेरी कोई अपेक्षा है ना ही कोई स्ट्रेटी है मैं जितने स्ट्रेटजी करूंगा उस पर पानी फैल जाएगा मैं जेल में थोड़ी ना लग्जरी होटल में हो कि आज मैंने स्ट्रैटेजी बनाए अब मैं पूल में जाऊंगा फिर जिम करूंगा फिर मसाज करूंगा ये तो होना नहीं है तो क्या बनाओ। जेल में पूल कहाँ से मिलेगा आपको कुछ नहीं मिलेगा कहाँ से मिलेगा खाना कहाँ से मिलेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं तो मैं क्यों ये सब चीज की स्ट्रेटेजी बनाऊ जो होगा देखा जाएगा हम्म अच्छा जेल का नाम लेते हैं ना तो सीधा दिमाग में ऐसे अगर इमेजिन करें तो वो एलमोनियम की थाली वो मग पानी का और वो कंबल दिखता है बहुत सिंपल सा अगर जेल की इमेजिनेशन आपके लिए रहे तो वो क्या है क्या क्या सोच के जा रहे हैं आप क्या मिलेगा बिकॉज़ अभी तक कुछ रिवील नहीं हुआ मैं आई हैव बीन लाइक ऑन द सेट मैंने देखा है अंदर का लेकिन मैं रिवील नहीं करूंगी ऑफ कोर्स लेकिन आपकी क्या इमेजिनेशन है इस जेल के बारे में क्या होगा देखो ये ये जेल एक्टाने बनाई है हां तो जेल होगी हाँ? आपने जो कहा बिल्कुल यही होगा और मुझे वो अमिताभ बच्चन का वो सी, सीन याद आता तो है जहां से खड़ा होता हूँ लाइन वहां तो से वो याद आता है इसके अलावा क्या एक कॉमेडी का सीन याद आता है असरानी साहब कहते हैं आधे इधर आधे उधर आधे मेरे पीछे <laughs> लेकिन हमारी जेलर साहब असरानी नहीं है वे भी हम जानते हैं <laughs> तो अब क्या होगा वो वहीं पर पता चलेगा मैं आप बताओ जेल कैसा था मैं क्या बताऊं जेल तो जेल होता है जेल तो जेल होता है तो फिर जब जेल तो है जेल तो जो होगा वहीं पर उसको आप फेस करेंगे अब सोचकर क्यों टेंशन ले बस इतना जान लीजिए कि अत्याचारी है बिल्कुल अत्याचारी होगा हंड्रेड परसेंट होगा ये तो पता था हमें तो इन सुख सुविधाओं का क्या करेंगे जो होटल में ये मिलता है बात ये वो सारी चीजें ऑर्डर करो तो खाना आया वो भी खाना ऐसा नहीं डिमांड वाला ये चाहिए तो चाहिए उसका क्या करेंगे इससे हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है हेल्थ इन द सेंस फिटनेस पे आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई बीमार पड़ सकता है बट यू नो फिट रहने के लिए कोई काफ्री, है, कोई fruit, तो काफ्री... कोई खाता है कोई फ्रूट सैलड एंड एवरी थिंग और आप्जैक्टली ग्लूटेन फ्री आजकल नहीं आ रहा है की

कोई अपनी हॉटनेस से पानी में आग लगाने वाला है कोई आप अपने पॉलिटिकल व्यूज से से कोई से, मतलब फुल हॉटनेस दिखने वाली है किसी भी तरीके से दिखे देखो और अभी समर भी आ रहा है टेम्परेचर इज गुट राइज अब मुंबई में तो ठंड खत्म हो गई है अब टेम्परेचर चढ़ने वाला है चढ़ चुका है करेक्ट करेक अच्छा इस कॉम्बिनेशन को आप क्या देखते हैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस तरह का कोई ओरिजिनल शो इंडिया में आ रहा है जिसमें एकता कपूर जो टीवी क्वीन कही जाती हैं प्लस बॉलीवुड में भी अपनी मिसाल कायम कर चुकी हैं और कंगना कंगना भी उनका तो एक एक वर्ड सबको दिल के छू जाता है चाहे वो उसके विरोध में हो चाहे सपोर्ट में हो नोटिस आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते कुछ भी नहीं। हो सो ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा जो फर्स्ट टाइम आया है एक्चुअली इंडिया में एक कंगना राजकुमार राव के साथ एक फिल्म में भी काम किए हाँ नहीं दिस काइंड ऑफ रियलिटी शो रियलिटी शो हाँ, तो show, हाँ yeah. मैं, मैं मुझे लगा इन प्रोफेशनल नो नो क्योंकि आरआर के साथ भी उन्होंने फिल्म की जी 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 दैट दैट आई एम अवेयर ऑफ बट देखिए मैंने कंगना के बारे में आपको बताया कि कंगना और मेरे विचार बिल्कुल नहीं मिलते

आ, ये भी छोड़ दीजिए कि कोई व्यक्तिगत संबंध हो गए कि आप दोस्त थे इसके पहले भी जब उसने टीवी लॉन्च की आ, जब मूवीज का मीडियम था उसने टीवी को एक नए मुकाम पर उसने पहुंचाई टीवी इंडस्ट्री को चाहे फिर वो हम था क्योंकि सास भी कभी बहू थी या खानी घर करके उसके वेरियस अदर शोज जो उसने बनाए शी टुक टीवी टू तो लेवल मुझे याद है जब मैं दिल्ली में था जब उसने ऑल्ट बालाजी को लॉन्च किया था उसका ओ टी उस वक्त सब लोग कहते थे इंडस्ट्री के लोग के ओ क्या है टीवी इज बिग बट उसने इसके बारे में तब सोचा जब OTT नाम का शब्द हमारी पे नहीं था। है। है, है, तो अगर एकता कुछ कर, रही है, वो सोच समझ कर कर रही रही वो 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 सोच दो कदम आगे इसलिए मानी जाती है और हम नहीं माने जाते so that. nice. व्यूज दिए वाला मुझे प्रॉपर एक पर्सनालिटी दिखी तहसीन की जो हम देखते हैं <laughs> <laughs> इसे कितना मिस करेंगे रोज शाम को कॉल्स किस पे बात करना है कौन सा exactly. करे, ये तो <laughs> है। <laughs> इसको कितना मिस करेंगे मिस जिंदगी है लव मैं जो करता हूँ वो मेरा पैशन है. मैं उसे मिस करूंगा लेकिन एक दूसरा पहलू भी है मेरी जिंदगी का जो मैं चाहता हूँ कि देश की जनता देखे तो तो यू नो इट इट इज इज फॉर सम टाइम नॉट परमानेंट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं जो हूं असल जिंदगी में वो भी लोग देखे वो भी लोग पहचाने और मैं अपने आप को ही एक चैलेंज है क्या लोग मुझे पसंद करेंगे क्या इतने प्रेशर में इतने अत्याचारी जेल में कैन आई स्टैंड माई ग्राउंड ये मेरे लिए भी एक चुनौती है चीज तो मुझे ए, लाइफ तो एम में मेरे बहुत बड़े बड़े लेकिन क्या मैं इस तरह का प्रेशर विथहोल्ड कर सकता हूँ विथ स्टैंड कर सकता हूँ ये मेरे लिए भी चुनौती है तो आई एम एक्साइटेड ओके okay. मेरे पास एक टास्क है आपके लिए छोटा सा आपको बहुत बहुत सारे टास्क मिलने वाले हैं आई एम अबाउट इट बट पॉलिटिकल पार्टीज में से फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज नॉट सेम हाँ पांच लोगों को आप चूज करिए और इस जेल में आप किसे किसे डालना पड़ेंगे इट्स नॉट द फाइट मारा पीटी मतलब कुछ ऐसा गर्दन काटने वाला तो है नहीं बट कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्ट्रोवर्शियल या

बीजेपी वो वो से, है. Hmm. तरह, आ, BJP से आ, या तो अनुराग ठाकुर है या तो hmm. किरण रिजुजी जी क्योंकि आ, अनुराग दोस्त है और किरन रिजुजू बिकॉज अगेन वो लोग एक इंटरेस्टिंग एक, फेस एक है बीजेपी के hmm. तो ये चार हो गए और पांचवा जस्ट फॉर द फॉर द मिक्स ऑफ इट

ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा होगा। okay, ये ये बताइए, तो हमने हमने देखा आपका, हम आपके व्यूज भी भी देखते हैं, लेकिन कोविड में भी एक चीज नोटिस की आप बहुत थी, आपने बहुत बहुत एक्टिव आपने सपोर्ट किया लोगों को, हेल्प की, तो वो, वाला जो एक थी ना, की, वो भी निखर कर सामने आई तो ये दो साल आपके लिए कैसा रहा बहुत because, uh, week, के लोगों के इतनी थी खास करते ऑक्सीजन नहीं था बेड्स नहीं थे हॉस्पिटल के अंदर तो ये सब अरेंज करने के लिए बहुत बहुत मुश्किल था और एक पैराडॉक्स है कि एक तरह से आपको सेटिस्फैक्शन है कि आपने लोगों की मदद की लेकिन एक तरह से रिग्रेट भी है कि आपको मदद करनी पड़ी काश ये नहीं आता ये मुश्किल समय नहीं आता और आपको ये, ये। नहीं करना पड़ता तो इट्स अ पैराडॉक्स आप इस सक्सेस में आप खुशी नहीं मना सकते क्योंकि लोगों के चाहने वाले इसमें गुजर गए देव लॉस्ट दे लव्ड वंस और कोविड के सेकेंड वेव में स्पेशली बहुत लोग अफेक्ट हुए नॉर्थ इंडिया में इमोशनली मैं बहुत अफेक्टेड था उससे क्योंकि रात-रात भर में मुझे यादें मिली वाइफ और मैं हम लोग लगातार 20 रात नहीं सोए नॉट 1 मिनट

You know, कोई भी युद्ध होता है भले के लिए तो नहीं होता है ये सभी जानते हैं सो so, ऐसे में लोग फंसे हुए हैं सिर्फ हमारे लोग नहीं जो वहाँ के भी सिटीजन हैं वो भी बहुत परेशान है बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस पर आपकी क्या राय है तो कुछ कहना चाहेंगे आपके व्यूज भारत के uh, मैं I was hoping कि जो हमारे भारत के जो बच्चे है वो पहले ही बार आ जाते हम उन्हें जल्दी इवेक्यूएट कर देते भारत ने पहले इराक वॉर में लिबिया वॉर में सुनामी के समय हमेशा अपने उनको सपोर्ट करती बच्चों को निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि एस बंद चुका है वहां फेर इज नो अदर चॉइस नथिंग एल्स बट हैव टू गेट अन आउट मैं एक चीज आपको कहूंगा जब इराक वॉर हुआ था एस बंद हुआ था उस वक्त के जो हमारे गवर्नमेंट uh, थी उन्होंने जाकर सदाम हुसैन को मिले और एयर स्पेस खुलवाया था भारत के लिए और हमारे सिटीजन को बाहर निकाला था और फॉरिनर्स को तो ये करना भारत के लिए जरूरी है तो आई जस्ट होप कि हमारे बच्चे जल्द लौट आए जो पेरेंट्स के कॉल्स आ रहे हैं रो रहे डरे हुए बच्चे बेसमेंट में बने इसेंशियल आइटम्स खत्म हो गई क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा डेबिट कार्ड नहीं चल रहा क्योंकि यहाँ के क्रेडिट कार्ड से यहाँ के बैंक के वहाँ एक्सेप्ट नहीं हो रहे उनको अपने क्रेडिट कार्ड से बहुत तकलीफें हो रही बच्चों को जल्द से जल्द हमारे बीस पच्चीस बच्चे भारत पहुंचाए बस यही प्रार्थना यही दुआए और मैं जेल में यही प्रार्थना करता रहूंगा कि वो जल्दी आ जाए

Uh, काम चालू रखेगे कांटेक्ट करना सारे कॉन्टेक्ट तो है ही उनके पास एमबीसी के अंदर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में स्टेट गवर्नमेंट्स में वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स में तो उनके साथ तो उनके कॉन्टेक्ट्स ही तो वैसे तो आप यू डोंट टॉक टू द बॉस यू टॉक टू द ब्यूरोक्रेट्स तो वो लोग फोन करवा देंगे बट uh, हाँ ये मेरे मन में स्ट्रेस uh, रहेगा कि वो बच्चे आए या नहीं आए क्योंकि पिछले वापस तीन चार दिन से यही प्रेशर है बहुत पेरेंट्स का प्रेशर है कि बच्चों को वापस लाना है किसी भी तरह से चाहे फिर वो पोलैंड के रास्ते से हो हंगरी के रास्ते से हो किसी भी रास्ते ओके चलिए जाते जाते अब एक बार फिर से बात करते हैं आपके लॉक कप की फैंस को क्या कहेंगे बिकॉज वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है

That's hmm. what it is about, and I want the people to know the real thing. That's, That's really great. Thank you so much, and all the very best. Thank you, Chetna, and you have a great day. And Thank love you, to all yeah. your viewers. <laughs> thanks, thanks. Bye bye. Take care. Bye. You. Thank you.